हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का दूसरा चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को, और आज उनके सारे सवालों को हल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अपना पहला सवाल। आपको हमने पहले एग्जाम्पल में ये बता चुका है, आप एग्जाम्पल से भी जाके देख सकते हैं, और वही बात यहाँ भी कर चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, कहता द्विघात बहुपद के शून्यांक को ज्ञात कीजिए और फिर शून्यांक एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। तो मेरा जो पहला सवाल आपका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ, हम इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालने वाले हैं, और जो फैक्टर गुणनखंड जो आप नाइन्थ में पहले ही पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या करते हैं कि ये बीच वाला यानी मध्य वाला टर्म को तोड़ते हैं, और इस प्रकार से तोड़ते हैं कि ये जोड़ने घटाने के बाद जितना है उतना आ भी जाना चाहिए, और गुणा करने के बाद इस दोनों के शुरू वाला अंतिम वाला के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो इसको गुणा जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आठ एक्स स्क्वायर, और जब बीच वाला का आप तोड़िएगा, देखिए कैसे तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये चार दो एक्स है ना, इसको लिखेंगे माइनस चार एक्स और प्लस में दो एक्स, तो दो एक्स में से जब चार एक्स को घटाइएगा तो माइनस में होगा दो एक्स, और चार दूना आठ यानी इसके गुणनफल के बराबर हो गया। इसका मतलब ये टर्म मेरा टूट गया, और ये दोनों देखिए क्या कॉमन है, कॉमन आप ले लीजिएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस फोर, और प्लस में यहाँ पर 2 जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस फोर। ये दोनों देखिए सेम है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये x माइनस फोर हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका x प्लस टू। एक्चुअली आपको निकालना है शून्यांक, तो सबको हम शून्य के बराबर करेंगे, इस सबको शून्य के बराबर करेंगे यानी, और इसको एक बार लिखेंगे ये x माइनस फोर बराबर जीरो, तो x बराबर हो जाएगा फोर, और फिर लिखेंगे x प्लस टू एक बार इसके बराबर में जीरो, तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस में टू। इस प्रकार से आपका दो गो शून्यांक निकल गया, और आप शून्यांक एवं गुणांकों के बीच में संबंध को दिखाना चाहते हैं तो आप इजीली संबंध को भी दिखा सकते हैं। आप जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग इस दोनों को जोड़ेंगे यानी कि चार को और माइनस दो को जब आप जोड़िएगा, चार प्लस माइनस दो यानी कि यह हो जाएगा आपका दो, और यह बटम ने कुछ तो एक, और यह जानते हैं शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, याद है आपको फॉर्मूला, यह होता है माइनस बी बाय ए के, तो बी के जगह पर देखिए यहाँ पर दो है ना, चूंकि माइनस लगाइएगा बी तो यहाँ पर आ ही जाएगी, माइनस दो आ ही जाएगा, तो आप ये बी जो है यानी ये है आपका दो एक्स का गुणांक, और ये वन वन आपका ये देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर यानी कि इसके पीछे कुछ नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको लिख देनी है। और दूसरा नंबर में आप जानते हैं शून्यांकों का गुणनफल, क्या जानते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल आप जानते हैं यह होता है अल्फा इंटू बीटा, हम गुना करेंगे चार को गुना करेंगे माइनस दो से, यह हो जाएगा माइनस आठ, बटन ने कुछ तो एक, आप जानते हैं शून्यांकों गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है प्लस सी बाय, तो सी की जगह देखिए यहाँ पर माइनस आठ है ना, जब पहले से यहाँ माइनस आठ आ गया, इस प्रकार से आप ये कहते हैं यह जो मेरा आठ है यह है कॉन्स्टेंट, क्या है कॉन्स्टेंट या अचर पद भी आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट, और बटन में ये एक ये है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से आप शून्यांक और उनके बीच में संबंध को दिखा सकते हैं। तो हम अगले पार्ट में ये सब चीज को ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसको आप खुद से लिख सकते हो, हम इसको तोड़ लेते हैं सबको। फिर देखते हैं अपना इसी का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको आप वही बीच वाला टर्म को तोड़ना है। देखिए 4s स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो 4s स्क्वायर होगा, और बीच वाला टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस ये 4s को लिखेंगे माइनस 2s माइनस 2s और ये प्लस में 1, तो आप यहां पर क्या कीजिएगा, दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना है आपको 2s 2s कॉमन लीजिएगा तो यहां पर बचेगा एक 2s, और 2s में 2s जब कॉमन लेंगे तो यहां नहीं कुछ तो एक बच रही है, यहां पर नहीं कुछ कॉमन है तो माइनस में 1 तो सब में है ना, ये लेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, देखिए दोनों समान है, दोनों को एक जगह लिख लेते हैं कॉमन के रूप में 2s माइनस 1, और बच जाएगा ये 2s माइनस 1, क्या बच जाएगा 2s माइनस 1, और हमको निकालना है शून्यांक, तो इसको करेंगे शून्य के बराबर, तो आप ये लिखेंगे एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये 2s बराबर हो जाएगा आपका 1, तो s बराबर हो जाएगा 1 बाय 2। इसी प्रकार से ये आप लिखेंगे
2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, और ये s बराबर आप लिखिएगा 1/2। इस प्रकार से आपका शून्यांक निकल गया। इनके बीच अब संबंध स्थापित कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे शून्यांकों का योग, यानी कि जब जोड़ेंगे, यानी कि 1/2 प्लस करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/2। आप यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों में 2 से गुना कर लें, ये हो जाएगा 4/4। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि बी बा ए होता है अल्फा प्लस बीटा, तो बी के जगह पर देखिए आपका 4 और ए के जगह पर भी 4 है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर का गुणांक, सॉरी ये एस का गुणांक है और ये है आपका एस स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से फिर दूसरा सवाल, इसी में दूसरा हम लिखेंगे फिर शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है 1/2 × 1/2, ये हो जाएगा 1/4 के, तो ये आपका हो जाएगा 1/1। आपका देखिए यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म है, ये लिखेंगे यह है कॉन्स्टेंट और यह 4 आपका है एस स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से आप शून्यांक एवं गुणांकों के बीच संबंध को दिखा सकते हैं इजीली। तो फिर आइए देखते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका 6x²-3-7x। आप इस टर्म को ये बीच में लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 6x²-7x-3 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बीच वाला टर्म को देखिए कैसे हम लोग तोड़ेंगे, ताकि ये इस दोनों के गुणनफल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये 6 × 3 = 18, यानी कि इसको गुणा कीजिए तो 18x² होगी माइनस में। और इसको आप कैसे तोड़ेंगे देखिए, तो ये लिखेंगे 6x²-7x को लिख सकते हैं माइनस में 9x और प्लस में लिखेंगे 2x। जब आप इस प्रकार से लिखेंगे ये देखिए, तो माइनस में 7x दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगी, और इसको गुणा कीजिएगा तो इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगी, और ये माइनस में दे देंगे 3। और ये दोनों देखिए कॉमन है आपका 3x, जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में 3 और यहाँ प्लस में नहीं कुछ कॉमन है तो 1, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में 3। ये दोनों आपका क्या है, समान है। तो आप ये दोनों में से एक को जरूर लिख दीजिएगा 2x-3 और यहाँ पर हो जाएगा 3x+1। एक्चुअली हमको निकालना है शून्यांक, इसको शून्य के बराबर करेंगे तो आप ये लिखिएगा 2x-3 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है, और x बराबर हो जाएगा तब 3/2। इसी प्रकार से इसको आप लिखिएगा, ये हो जाएगा 3x+1, इसके बराबर में 0, तो 3x बराबर प्लस में 1 हो जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। इस प्रकार से आपका जो शून्यांक है वह निकाल गया। आप शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध को यहाँ भी इजीली दिखा सकते हैं। तो हमने पिछले सवाल में इस चीज को दिखाया है, आप फिर को जाके खुद से जरूर दिखाएं, इसमें कुछ नहीं है। दोनों शून्यांकों को जोड़ना है और वही टर्म जो लिखा जाता है बार बार, वही टर्म को आप रिपीट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। तो हम यहीं तक इसको रहने देते हैं, फिर अगला सवाल को देखते हैं। चलिए मेरा अगला सवाल है, अगला सवाल को हम यूं लिखते हैं यहाँ पर। अगला ये है आपका 4 का, ये देखिए यह है 4u² + 8u। ये दोनों में जो है कॉमन आपका देखिए तो क्या है, ये दोनों में कॉमन, चूंकि इसको तोड़ नहीं सकते, ये 4u को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस में 2, और एक्चुअली शून्यांक निकालना हमको 0 के बराबर करेंगे। एक बार करेंगे 4u = 0, तो u बराबर एक बार आपका निकल जाएगा 0, और एक बार आप u प्लस, सॉरी आप यहाँ पर लिखिएगा u+2 = 0, तो u बराबर हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से आपका दो शून्यांक, एक 0 होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा -2, ये शून्यांक होगा। फिर इसके बीच आप संबंध को भी आसानी से दिखा सकते हैं। तो चलिए एक सवाल और देखेंगे इसमें। तो फिर देखिए अपना पांचवा सवाल आपका है ये t² - कितना है 15, और इसको आप a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ऐसा ही वीडियो पिछले जो एग्जाम्पल की वीडियो को बनाया है वहां पर आप जाके इसको देख सकते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न की ये भी होने वाली है। ये जो है आप इसको लिखिएगा t² - ये 15 को लिख सकते हैं आप अंडर रूट
15 का स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक फॉर्मूला पा जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप ये जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, एक बार लिखेंगे टी प्लस में रूट 15 और एक बार लिखेंगे टी माइनस में रूट 15। एक्चुअली निकालना है शून्यांक, तो इसको करेंगे शून्य के बराबर। ये आपका देखिए टी प्लस में रूट 15 ये बराबर हो जाएगा जीरो के, तो टी बराबर हो जाएगा माइनस में रूट 15 और ये टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो, तो एक बार हो जाएगा टी ये प्लस में रूट 15। इस प्रकार से आपका जो है ये सवाल काफी शून्यांक निकल गया। इसके बीच के संबंध को आप खुद से आसानी से दिखा सकते हैं, पिछले दो सवालों में हमने दिखाया है, आप भी इसको अपना से प्रयास करें, निश्चित रूप से आप इसको दिखा सकते हैं। अब इसका लास्ट सवाल आप देखिए, यह है 3x² - x - 4। इसमें क्या करेंगे, बस वही टर्म करना है बार बार, 3x² - ये एक्स को आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे -4x और प्लस में लिखेंगे 3x। तो ये काम करने से क्या होता है कि ये देखिए जोड़ में घटन वाला माइनस में 1 हो जाएगा, और जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाता है। यहाँ पर लिखिए आप -4, इन दोनों में अभी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप x कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x यहाँ पर माइनस में 4, और यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, यह भी हो जाएगा 3x - 4 और ये बराबर जीरो कर लेते हैं, चूंकि हमको यहाँ पर शून्यांक निकालना है। तो ये आप करेंगे 3x - 4 ये अलग है और ये x + 1 ये दोनों इस रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में आ गया। ये बराबर करेंगे जीरो के, एक बार 3x - 4 बराबर जीरो, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 3x - 4 बराबर जीरो, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 4, x बराबर हो जाएगा 4/3। इसी प्रकार से x + 1 बराबर एक बार जीरो, एक बार x बराबर हो जाएगा -1। इस प्रकार से आपका जो शून्यांक है 2 ये निकल गई। आप इनके बीच के संबंध को दिखा सकते हैं जाकर इजीली। तो हम इस सवाल को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर देखते हैं अपना जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 उसको। तो फिर आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कहता है एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल हमें दी हुई है। और ये सवाल आप एग्जांपल में अभी जस्ट पढ़े हैं पीछे, आप वहां के वीडियो को जाके देख सकते हैं, और वही टाइप से अभी हम इसको हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तो क्या दिया, शून्यांकों का योग, शून्यांकों अगर मानते हैं द्विघात बहुपद मेरा ax² + bx + c है, तो हम अगर लिख लें, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तब यहां पर इसके शून्यांक अगर अल्फा प्लस बीटा होंगे तो अल्फा होंगे, यदि इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं तो हम शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं होता है -b/a, और यह हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 1/4 के। और फिर हम जानते हैं शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा यह बराबर होता है c/a के, और यहां पर हमें क्या दिया है -1/ कितना दिया है, बाय में कुछ नहीं दिया है। और यहां पर देखिए यहां पर c/a, यहां भी a है तो a 4 के बराबर होगा, और यहां पर a देखिए आपको कितना बराबर है, a आपका है 1 के बराबर। हम इसको बराबर करेंगे तो ये 1 को 4 से गुणा यानी 4 पर दोनों में गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा a जो है ना ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ a भी 4 और ये भी a भी 4 हो जाएगा। तब तो आप तब इजीली यहां पर लिखिएगा ये जो होगा b बराबर तो हो जाएगा आपका -1 और c बराबर हो जाएगा तब -4 और a बराबर हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ये यहां भी 4 है यहां भी 4 है, कोई दिक्कत। तो आप ये ए बी सी का मान क्या कीजिएगा, इस पर जाके बैठा दीजिए। तो हम लिखेंगे यहां पर अतः द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा ax² तो a के जगह पर क्या रखेंगे 4x² bx तो b के जगह पर -1 है तो यहां पर लिखेंगे -x हो जाएगा, और प्लस c के जगह पर क्या है -4 ना, तो यहां पर हो जाएगा -4। इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद ये प्राप्त हो गया। या आपको हम बताए थे इसको बनाने का एक दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका है द्विघात बहुपद को निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, वह सूत्र है मेरा द्विघात बहुपद निकालने के लिए x² - α + β x + α (β = 0)
इससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा और एक वोटा चार और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया है वह दिया है माइनस में वन। हम कुछ भी नहीं करते, यहाँ पर मान पुट कर देंगे या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जीरो को अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है यह एक बटे चार और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका है माइनस वन और ये बराबर करेंगे जीरो के। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी है, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा माइनस में एक्स बटे फोर। इसको जब आप सही कीजिएगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा वन बराबर में जीरो, भिन्न का जोड़ घटाव निकाल लीजिए, यहाँ पर वन यहाँ भी वन, एक चार और एक का जब एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा चार, फिर एक को चार और पढ़िए तब चार, यानी कि चार एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर चार का चार एक्स, भिन्न का जोड़ घटाव आपको जानते होंगे और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा फिर चार बराबर में जीरो, ये चार देखिए भागा में धर जाएगा तो जीरो के साथ गुना होगा मतलब जीरो खत्म, यानी कि ये हो जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, यह आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आप दोनों से इजीली निकाल सकते हैं, इसमें चार पांच सवाल है, चलिए हम देखते हैं इसको बारी बारी से सबको। तो आइए देखते हैं अपना दूसरा सवाल और दूसरे सवाल को हम बढ़ाएंगे दूसरे रोल से जो आप साइड में देखे होंगे अभी पहले सवाल में। इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है अंडर रूट टू और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है वन बाय थ्री। तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद होगा यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। हम लोग ये फॉर्मूला पर रखने वाले हैं, ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह अल्फा प्लस बीटा कितना है रूट टू, कुछ भी नहीं करना है खाली इसके जगह पर जाकर रख दीजिए रूट टू और ये एक्स पहले से है ही, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा जो उसका मान देखिए वन बटा थ्री है, ये जाके रख दीजिए बराबर में जीरो। तो ये हो जाएगा आपका देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में रूट टू एक्स हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो अब प्लस वन बाय थ्री बराबर में जीरो। यहाँ नहीं कुछ एक, यहाँ भी नहीं कुछ एक, आप ये एक एक और तीन का एलसीएम निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा तीन, एक को तीन बार पढ़िएगा तब तीन, तीन को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा ये हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर माइनस, एक को फिर तीन बार पढ़ेंगे तब तीन, तीन को रूट टू से गुना कीजिएगा ये हो जाएगा थ्री रूट टू एक्स प्लस तीन का तीन ये हो जाएगा वन बराबर में जीरो। तो ये आप तीन को जब जीरो से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका जीरो, यानी कि ये आपका द्विघात बहुपद मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस में वन। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल यानी कि दो का दो ये सॉल्व होता है। फिर आप अपने अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका तीसरा सवाल जो है वह तीसरा सवाल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो, यानी कि ये दिया है और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है अंडर रूट फाइव। और फिर वही बात आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद के हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर, अतः लिखेंगे द्विघात बहुपद ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। आप यहां से इसको बनाइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसका मान देखिए जीरो, या यहाँ पर हम लिखे किए हैं ये जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये है आपका रूट फाइव, ये देते हैं तो जीरो को एक्स से गुना कीजिएगा तो जीरो खत्म हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट फाइव, ये आपका द्विघात बहुपद एक प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप और भी सवाल जैसे ये है और ये है, इसको आप इजीली आसानी से बना सकते हैं। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए फिर देखते हैं अपना जो अगला सवाल है वो अगला सवाल है। फिर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर वन दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी वन दिया है और हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो आप क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए, आपका सवाल हो गया। बहुत ही ईजी है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह पर वन रखिएगा तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी आपका वन है और ये कर देंगे जीरो के लिए, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस प्रकार से आपका जो द्विघात बहुपद है वह प्राप्त हो जाता है। फिर अपने अगले सवाल को बढ़ते हैं, तो आपका पांचवा सवाल देखिए, फिर यहाँ शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया माइनस वन बाय फोर, अल्फा इंटू बीटा दिया वन बाय फोर और वही द्विघात बहुपद का हम लोग प्रयोग करेंगे जो जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। बस यहाँ भी क्या करना है, वही मान को रख देना है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखेगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस में वन बटा फोर और ये एक्स दे देते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान भी हम लोग जानते हैं वन बटा फोर और ये बराबर करेंगे जीरो के।
तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ भी माइनस, ये प्लस हो जाएगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा, या एक्स को वन से गुना कीजिएगा तो एक्स बाय फोर हम लिख देते हैं, और ये प्लस वन बटा फोर और ये बराबर जीरो। यहाँ नहीं कुछ तो एक, एक चार और एक का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा चार, तो ये हो जाएगा एक को चार और पढ़ेंगे तब चार, चार को एक्स स्क्वायर से गुना करने पर ये हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में यहाँ चार का चार यानी एक्स, फिर प्लस चार का चार और यहाँ पर एक बराबर में जीरो, चूंकि चार यहाँ भागा में यहाँ पर गुना कीजिएगा तो ये भी जीरो हो जाएगी, तो द्विघात बहुपद आपका ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस प्रकार से आपका ये द्विघात बहुपद निकल जाता है। और यह सवाल अक्सर पूछी गई है, इस टाइप के सवाल हर एक बार एक न एक पूछ ही देता है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिए आप। फिर इनका लास्ट जो सवाल है, लास्ट है आपका, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर चार दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर वन दिया है, और द्विघात बहुपद निकालने का वही जनरल फॉर्मूला जो हम पहले यूज कर चुके हैं कई बार, फिर वही इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है चार तो इसकी जगह पर रख देंगे चार और ये एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा इसकी जगह पर दिया एक तो यहाँ पर रख देंगे एक, बराबर करेंगे जीरो के, ये आपका फाइनली देखिए आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि चार एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यानी कि आप जीरो हटा दें चूंकि यह समीकरण बन जाती है, जहां तक द्विघात बहुपद है ये आपका। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। फिर हम मिलते हैं आपके अगले एपिसोड में।